हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं सचिन पायलट की रैली में, जो कि राजेंद्र गुड्डा जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं उनके पैतृक गांव में आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, डायरेक्ट वहां से आपको लाइव दिखाते हैं। तो बने रहना वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है, आपको पूरा भाषण देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, वहीं से दिखाते हैं आपको। और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दिल्ली में आज शासन सरकार में बैठे, ये वो भाजपा के साथी हैं जो चुनाव प्रचार में बोलते थे कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। वो कहा कि नहीं, बीजेपी ने, हमने तो नहीं कहा आपको वादा करने के लिए, लेकिन बीजेपी के साथी ने कहा आप वोट दो, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। सारे किसान बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी की आमदनी दुगनी हुई किसानों की? अगर कोई दुगनी चौगनी हो रही है तो खाद की कीमत, पेट्रोल की, डीजल की, बीज की, यूरिया की, बिजली की, ये सारी कीमतें आसमान छू रही है। कोई बड़ा आदमी केंद्र की सरकार का आपको बोलने को तैयार नहीं है कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। आप उनसे पूछो गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, तो कहते हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप पूछो किसान आज मुख्तरी के कहा खड़ा है, जो 2-3 बीघे में खेती करते हैं उस पर क्या बचता होगा, क्या पालता होगा, क्या बचाता होगा, ये सवाल पूछो तो केंद्र की सरकार के लोग बीजेपी के साथ ही बोलते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, इसी चर्चा में लोगों को समझना चाहते हैं। कि मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं किसान को एक ऐसी रूपरेखा देनी जरूरी है। किसान को मदद अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसान पे जो प्रहार आपने किया था, ये 3 जो काले कानून बनाए थे, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।